मॉर्निंग जय मुरलीधर। तो आज है 20 तारीख, आज सुबह तो इतनी तेज हवा निकल रही थी और उसके बाद थोड़ी सी बारिश आ गई, तो उतनी ज्यादा भी नहीं आई है लेकिन बहुत ज्यादा मतलब कि खेत में दिख गया था कि बारिश आई है, बहुत तेज हवा चल रही थी। तो ये सारी सब्जी हमने कल ही पानी लग गया था, इसमें आज वापस से दूसरी बार लग गया। देखो यहाँ पर बारिश हुई, खेत जमा जमा, ये देखो बस ऊपर से एक इंच भी नहीं हुआ, इतना गीला हुआ है खेत। तो यहाँ पर ये है सारी ग्वार की क्यारी, भिंडी की क्यारी, और वहां पर भी भिंडी है। आज पापा गए सब्जी मंडी, तो 8 केजी ग्वार था और 8 केजी भिंडा, तो टोटल 16 केजी सब्जी गई थी। 16 केजी सब्जी के हमें मिल रहे हैं 1500 रुपए, तो इतने ज्यादा प्राइस मिल रहा है अभी के टाइम पर, क्योंकि सब्जी ग्रो ही नहीं हो रही है। सब्जी में बहुत ही ज्यादा जीवात आ रही है, व्हाइट कलर की फंगस जीवात जो भी बोले वो बहुत ज्यादा आ गई है, इसलिए कहीं पर भी उतनी ज्यादा सब्जी नहीं हो रही है ऑल ओवर। तो यहाँ पर अभी दिख रही है कि नहीं, ये फूल है ना वैसे ही व्हाइट व्हाइट जीवात होती है, उसके लिए कोई भी दवाई इसमें छिड़कते हैं ना उसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं। कोई भी ज्यादा से ज्यादा पावर वाली दवाई ले आए ना उसका भी इसमें रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर हमने ट्राई किया देसी तरीके से, मतलब कि बिना खर्च में दवाई रेडी हो जाए ना, वैसा कुछ हमने जुगाड़ किया है, 1 रुपया भी ये दवाई बन जाएगी और काम भी करेगी, उसका हमें बढ़िया रिजल्ट भी मिला है, तभी आज 1500 रुपए की सब्जी बिकी है। तो चलो अभी मैं जा रहा हूँ उस दवाई बनाने के लिए, जो मटेरियल लगता है ना वो मटेरियल लेने के लिए इसमें भर के ले आएंगे। तो चलो चलते हैं, जाना है हमको वहाँ पर खेत में, वो कच्चा मटेरियल हमें मिल जाएगा। ये है कच्चा मटेरियल, हम इसे थोर बोलते हैं, और ये समुन्द्र किनारे तो ये बहुत ही ज्यादा ग्रो होता है, वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, और इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। इसके अंदर जो चीज होता है ना वाइट लिक्विड, वो इतना हानिकारक होता है कि हाथ भी हमारे फट जाते हैं। तो सिंपली मैं ले आया हूँ पॉलीथीन बैग, ये एक हाथ में पहन लूंगा, उसके बाद इसमें डालना है। तो चलो अभी मैं ये कट करके इसमें डाल देता हूँ। यहाँ पर 2 पेड़ थे लेकिन दोनों के दोनों अभी अगली बार बारिश आई थी ना, आज आई ऐसे ही, तो उसमें गिर गई हवा में। तो ये जनरली जल्दी जल्दी सूखता भी नहीं है, बहुत टाइम लगता है ये पत्तियाँ सूखने में भी। तो ले लिया है मैंने इसमें थोर, ये समुन्द्र किनारे बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि इसमें ये पेड़ जहाँ पर भी लगता है ना वहाँ पर कितनी भी खारिश लग जाए समुन्द्र की, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उस साइड मतलब समुन्द्र के बिल्कुल पास में खेत होते हैं ना, वो लोग ये पूरी बॉर्डर में लगाते हैं ताकि फसल खराब ना हो खारिश की वजह से, उसके लिए इसका मेन इस्तेमाल होता है। ये पूरी सब्जी में हम दो तीन दिन के बाद इसका स्प्रे लगाते हैं। ये देखो ये पेड़ कट हो गया ना, उसके बाद भी ये 1 महीने तक ऐसे जिंदा रहता है, पेड़ सूखता ही नहीं है, क्योंकि इसमें व्हाइट व्हाइट मलाई होती है ना, ये देखो दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी, और फार्मर्स तो पहचान भी गए होंगे ये पेड़। तो ये सारी सब्जी हमारी ग्रो होने का राज ये है। तो ये मटेरियल तो ले आए, अभी इसमें पानी डालेंगे। ये हांडा है ना वो आधा भरने वाला है, चूल्हे पे चढ़ा दिया है, स्टार्ट कर देते हैं। अब इसको फुल गर्म करेंगे, उसके बाद वापस ठंडा होने देंगे। तो ये करीब आधे घंटे से यहाँ पर रखा हुआ है, स्मेल लगनी स्टार्ट हो गई है,
बहुत बुरी स्मेल आती है, मुझे तो इतनी नहीं लग रही है। फुल गर्म हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा और रहने देते हैं। इतना गर्म है। इसको यहाँ पर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसमें जो पत्तियां हमने डाली थी ना वो निकालेंगे, और जिस जो पानी रहेगा ना वो पानी डालेंगे सीधा स्प्रे में, और उसमें दूसरा कुछ भी मिक्स नहीं करना है। ये जो पानी है ना वही छिड़कने वाले हैं। अभी भी देखो ऐसे मस्त बादल दिख रहे हैं। यहाँ पर है शहतूत का पेड़, देखो रेड 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 दिख रहे ना, इतने मस्त लग रहे हैं, लेकिन कैमरे में उतना जस्टिस नहीं हो रहा है। इतने सारे हैं, देखो गाइस हर एक डाली में पांच छह ही है, पूरे में फैले हुए हैं, एक एक डाली में दिख रहे हैं। अब इसमें रेड रेड ही है ज्यादातर, ब्लैक ढूंढने हैं। ब्लैक दिख जाए तो ये वाला है कुछ हद तक। अरे नहीं, ये भी रेड है पूरा, बादाम है वो तो। ये भी रेड है, प्योर ब्लैक मिलेंगे नहीं आज। बहुत सारे हैं, लेकिन आज ब्लैक दिख ही नहीं रहे, नीचे भी उतने गिरे हुए हैं। ऐसा मिला वहां पर मस्त ब्लैक है, लेकिन कैसे ले। नहीं आ रहा है। फाइनली गाइस जैसे तैसे करके निकाल लिया, वो मैं बता रहा था ना। वाह बढ़िया, किसके लिए। ग्वार यहीं पर कट करना है। देखो शहतूत निकालते निकालते देखो गाइस ब्लड निकल गया। देख ये मम्मी दवाई छिड़कने लग गए है, और ये मम्मी का ही काम होता है। आज मैं गया था वहां पर लेने के लिए, वरना मम्मी वहां से ले आते हैं, गरम कर लेते हैं, उसके बाद वही छिड़कने लग जाते हैं। मम्मी को बहुत पसंद आता है ये काम, नहीं मम्मी सब्जी में। बिल्कुल फ्री में हो गया ना, इसलिए तो बहुत ज्यादा मजा आता है हम सभी को। ये सारे में छिड़क देंगे ऐसे ही। वहां पर धनिया मेथी मैंने निकाली थी। चल वहां पर चिक्कू का पेड़ क्यों लगाया, अब इतनी तो रहे। चिक्कू का पौधा क्यों लगाया है वहां, तो वहां पर डमी चीकू का पेड़ लगा दिया है पापा ने। वहां है ना करेले का छोड़ है, तो वो उसके ऊपर पूरा चढ़ जाए ना, उसके लिए वहां पर गड्ढा करके गाड़ दिया वहां पर। ये प्योर दवाई लग रही है जीवात के लिए। तो आपके यहाँ भी एक दो क्यारियां हो खाने के लिए, सब्जी हो, उसमें लगा सकते हैं। चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।